डॉट के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो एक्स्ट्रा इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इस जगह से राइट में हटा रहा है। किसी भी हाल में हमारा जो बगल है यानी कि जिस जगह में अंडरआर्म से घूमता है और ऊपर बॉडी में आता है वो पैरेलल हमें शेप जिस जगह में आता है वो ही जगह में हमारा इस जगह में इस डॉट को बिठाना है। ये था हो गया है। और उसके बाद फ्रेंड बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है, इसमें ज्यादा मुश्किल कम नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, ये फ्री हैंड से हम ड्रॉ कर रहा है और इससे जैसे कि हम लोग इस जगह में ड्रॉ कर रहे हैं इस जगह में आप लोगों को देखना है हमें फ्रंट डेप्थ कितना करना है। तो हमने जितना लिया है हमारा बराबर आ रहा है और साथ ही साथ ये वाला जो हिस्सा है इससे थोड़ा सा बढ़ा के दिख रहा है फ्रेंड, ये थोड़ा सा बढ़ा के इसमें लेना है इस जगह में। और उसके बाद हमारा जिस जगह में एडिट आ रहा है उसी जगह से बढ़ा देंगे, यानी कितना बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक जो नॉर्मल बास्ट होता है हमारा बास्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मानिए हमारा जो पीछे में जो हिस्सा है 8.75, तो 18, 16, 17 and half हो रहा है। और हमारा जो नॉर्मल बास्ट है वो 38 होगा, तो 38 से हम इसे लेस करेंगे। तो बड़ा नहीं करना है हमें, अगर 1 inch लेंगे तो चलेगा। तो देखिए हम 1 inch कहाँ से लेंगे, सबसे पहले हमारा जो पॉटल का जो हाइट होता है ना वो हमें जाननी है जो किस जगह में है। तो हम इस जगह से डायरेक्ट 3.5 हम ले लेंगे। और आप चाहे इसी तरह एक मेजरमेंट भी आप लोग बहुत आसानी से इस जगह में आप लोग ले सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड इस जगह में आता है हमने 1 inch इस जगह में लेंगे और ये लिया है, और इस जगह में भी मैंने 1 inch करेंगे और ये भी हो जाएगा इस जगह में इसी तरह करेंगे। और जैसे मैंने इस जगह में ये मेजरमेंट आया है फिर से हमें एक मेजरमेंट चाहिए, देखिए ये सीरीज में चले जाएगा 3.5 और 3 आ जाएगा। तो ये हमारा बराबर है। और इस जगह में हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम जैसे इसमें एलिट खत्म हो रहा है उसके बाद से ओवरलैपिंग हमारा 1 inch चाहिए, तो 5.25 आ रहा है वही हम इस जगह में घुमाएंगे इसी तरह पॉइंट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि डार्ट यानी कि जहां लिया है मैंने 1 inch एक्स्ट्रा लिया है और साथ ही साथ 1/2 inch यानी कि इस जगह में आ रहा है, तो इस जगह से थोड़ा सा ऊपर हमारा ये पॉइंट आया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम इसी तरह कर लेंगे और इस जगह से हम इसे मिला देंगे, ठीक है, ये एकदम क्लियर है। और उसके बाद हमारा इधर भी हमारा 1 inch चाहिए और इधर भी हमारा 1 inch चाहिए और इधर भी हमारा फ्रंट शेप देनी है सबसे पहले हमें ऐसे, और इसके बाद इधर भी हमारा 1 inch चाहिए, ऐसे मिला देंगे। तो फ्रेंड आप लोगों को पता है यहाँ पर हम लोग हमेशा जो डार्ट लेते हैं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये निकाला है, वो डार्ट का एक तरफ जो मेजरमेंट आएगा वही ऊपर में आप लोग देंगे तो बराबर फिट आएगा, क्योंकि ये कट करने का और भी बहुत अलग अलग तरीका आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड। मैंने तो ये जस्ट दिखा रहा हूँ मगर आप लोगों को तो और भी यानी कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे आप अपने हिसाब से करेंगे, देखेंगे नया नया कोई टेक्निक आ रहा है तो आप उसे यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं तो सिंपल ऐसे ही दिखा रहा हूँ। और ये देखिए इस जगह में 1 inch करेंगे और फिर ये वाला हिस्सा बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं इस जगह में, ये ऐसे करना है, ये लाइन को फॉलो मत करिएगा, आप बाद में ऐसे करना है, यानी कि पहले था इस जगह में हमने फॉलो कर रहे हो इस जगह में, और उसके बाद क्या करना है इस जगह को ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, ये हमारा हो गया है। तो अब हम एक बार देख लेंगे, ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड, ये 4 आ गया है हमारा विड्थ। बहुत लोग इस जगह में भी गलतियां करते थे, क्यों गलतियां करते थे फ्रेंड, तो इसलिए मानिए हमने इस जगह में 4 विड्थ लेकर काम कर रहा हो तो ये तो बाहर की ओर जा रहा है, तो जैसे ही बाहर जा रहा है तो ये 4.5 हो जाएगा, तो आपका जो क्रॉस पॉइंट है वो लेफ्ट की ओर चले जाएगा। तो ये गलतियां मत करें, जैसे मैंने 1/2 inch हटा दिया है, मैंने देखा है जैसे कि 32 में 1/2 inch अगर 30 साइज आप लोग करें तो 0.25, 34 करें तो 1/2 inch से भी चल जाता है, कभी कभी किसी का अगर बस थोड़ा सा बड़ा हो तो वन धागा टू धागे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, यानी कि 0.75 के आसपास हो जाता है। और जैसे कि 36-38 में हम लोग 0.75 भी चलता है कभी कभी 1 inch, तो इसी तरह लेफ्ट में हम लोग कर दे तो बहुत आसान हो जाता है।
और ये कट करने का तरीका फ्रेंड ये नहीं है, ये इसके अलावा भी और भी टेक्निक होता है, जैसे कि प्रिंसेस कट कट करने का जो जो तरीका मैंने दिखा वही सभी तरीका इसमें आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी आप लोग ये सीधा करके भी आप लोग यूज कर सकते हो, और कभी कभी ये डार्ट एक तरफ देकर यानी कि दोनों डार्ट इस तरफ हम लेंगे उस वक्त भी इसी तरह कट कर सकते हो। किसी भी तरीके आप लोग यूज करें, आप लोगों का फिटिंग होना चाहिए बस, और जो शॉटिंग होने के बाद जो सारे कैलकुलेशन वो सही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए हमारा कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने इसे कट कर लिया है और इसी तरह ही हम करेंगे, और बाद में जो काम है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये एक ही साथ करेंगे, और नीचे और एक पेज दे देंगे ताकि हमारा दोबारा कट करना नहीं पड़ा, एक ही साथ हम कट कर लेंगे। और एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड, जो इस जगह का जो मेजरमेंट आता है तो ये एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। इस जगह में क्या होता है कभी कभी गलतियां हो जाता है, जैसे कि हमारा भी मिस्टेक हो रहा था इस जगह में, मैंने ना दिखाई आप लोगों को कटने कट जा रहा हूँ, तो इस जगह में थोड़ा सा बाहर की ओर जाता है लाइन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, इसी तरह देख लेंगे आप लोग। ठीक है फ्रेंड, तो सारे कट हो गया है, तो फ्रेंड अब हमें कट करना है नीचे का हिस्सा, हमें कट करना है, ठीक है। इसे जैसा है वैसा ही हम रख देंगे इस जगह में, आप ड्रॉ करके भी आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, मगर हम एक ही साथ कट करने वाला हूँ, तो इसे भी हम इसी तरह रखेंगे इसके साथ, और ये भी इसके साथ हम रखेंगे इस जगह। ये दो पार्ट निकल आया है और ये एक पीस पार्ट है, ये ही हमें चाहिए। चलिए ये सब हमें नहीं चाहिए, तो फ्रेंड ये देखिए निकल आया है ये, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमें दोबारा इसे जैसे हम पीसेस कट में कट करते हैं उसी तरह ही इसे दोबारा हमें शेप देनी है इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये कट करना हो गया, तो हम क्या करेंगे अब, तो ये जो हमारा बेसिक था तो उसी से हम इसे शॉर्टिंग करेंगे, तो शॉर्टिंग हमेशा आप लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा कट सही नहीं है अभी सही नहीं है, तो जैसे हम शॉर्टिंग कर लेंगे उसके बाद ये सही हो जाए। देखिए ये थोड़ा सा इस टाइप थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हम इसमें मार्क कर लेंगे जिसे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, चलिए ये बाद में ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड इस तरफ देखेंगे ये सही हुआ कि नहीं, अगर बड़ा हो तो हम छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसे, तो देखिए फ्रेंड ये बहुत ही इस जगह में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट भी कर लेंगे, और हमारा जो इसका जो लेंथ है वो सही है, ये देखिए हम एलिट को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेंगे ये, ठीक है। ये देखिए इसे भी देखेंगे ये सही है कि नहीं, और डाल देने के बाद ये सही है, और ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे हम,
ठीक है, अब ये वन इज ओवरलैपिंग इस जगह में है और उसी तरह ही फ्रंट आप लोगों को देखनी है ओवरलैपिंग कितना आया है इस जगह में। तो फ्रेंड इस जगह में थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ही इस जगह में आप लोगों को कर देनी है। और एक बात है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जब कट करते हैं उसका गला आप लोग अगर थोड़ा सा छोटा करेंगे तो बाद में जब इसे घुमाएंगे थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसी तरह ही आप लोगों को अपने हिसाब से डेप्थ ले लेंगे। और मैंने अपने हिसाब से ले लिया है इस जगह में, वो ऐसा है और इसका जो ऐसे सिलाई हो जाएगा तो इसी तरह वो कम हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग देखा है फ्रेंड, ये हमारा जो योक कट वाला जो प्रिंसेस कट है वो मैं एकदम अच्छी तरीके से दिखा दिया है। और साथ ही साथ आप लोग देख लेंगे इसका जो हमारा जो जो नॉर्मल वास्ट है वो कितना आ रहा है वो आप लोगों को देख लेंगे। तो ये देखिए इसमें जो 10 आ रहा है तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, और पीछे में 17.5 आ रहा है तो पूरा मेरा का 38 हमारा आ रहा है इस जगह में, तो एकदम सही है। बस और कुछ भी नहीं करना है। और तो इससे इसे और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड मैं कहूँगा जो फर्स्ट वाला जो टेक्निक है उसी हिसाब से आप लोग करिए। आप एक बार डबल कटोरी और एलिट कट, जो एलिट किस तरीके यानी कि हाउ टू कट एलिट, एलिट पार्ट हम लोग यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसे किस तरीके से करते हैं ये सब एक बार देख लीजिए तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। उस वक्त आप प्रिंसेस कार्ट को एक बार देख लीजिए तो बहुत आसान होगा। तो चलिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलना है। जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ राइट में जो बेल वाला बटन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इंस्टेंटली चले जाएगा। और जिन लोग हमारा चैनल को आगे ले जा रहा है, हमारा जो पुराना सब्सक्राइबर जो नया सब्सक्राइबर यानी कि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं फ्रेंड, आप लोगों को दिल से मैं थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह ही, ये आपका ही चैनल है, आप इसी तरह ही चैनल को आप वीडियो देखते रहिए और आगे लेते जाइए। तो आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शो रहते हैं, गुड नाइट।